फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अवतार सिंह मडाना ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 5 सालों में फरीदाबाद को लूटने का कार्य किया। उन्होंने कृष्ण पाल गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कृष्ण पाल गुर्जर ने करोड़ों रुपए के घोटाले किए, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष पेश की गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मामले पर चुप्पी साध ली। हालांकि वह उम्मीद कर रहे थे पीएम इंक्वायरी कराएंगे और उन्हें सजा देंगे। अवतार सिंह मडाना ने कहा कि भाजपा सरकार में पहले भ्रष्टाचार को लेकर ही उन्होंने भाजपा पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और कृष्ण पाल गुर्जर को चुनाव में हराने के लिए जनता के बीच में आ गए। पर इतना अहंकारी, इतना लुटेरा, इतना बेईमान, पहले की मोदी से कही है कि मुख्यमंत्री से कही है कि इंक्वायरी करा ले, मेरी मैंने सीएम से कहा था, रिकॉर्ड करा भी लिखित है कि चला था मेरे पास। मैंने मेरे सीएम से कहा 2 साल, फिर मुझे मौका मिल गया कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तो उस बैठक में ऐसे पीएम बैठे थे, ऐसे ही डॉक्टर साहब बैठे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको 2 साल हो गया खैर, उनके लूट खसोट जुल्म जास्तियां जिन 6.5 लाख लोगों ने मोदी जी के भरोसे पर इसे जिता के भेजा है, इसकी कम से कम रिपोर्ट तो मंगा लीजिए। इसका हाथ मामा भाजपा ने लूट मचा रखी है, हजारों करोड़ के घोटाले हैं। तो मैं कहा सीएम साहब आपसे कही थी आपके हाई ईमानदार किसी बड़े ऑफिसर्स की कमेटी बेस करते इसकी रिपोर्ट मंगा ले, अगर ये दोषी नहीं है, मैं जो दोष लगा रहा हूँ इसमें, अगर दोषी नहीं है तो मुझे इसको मेरे को सजा दे देना, अरे ये दोषी पाए थे सजा दे दो। जब इंजन नहीं सुनी तो मैंने सजा रहा प्रधानमंत्री तो की कमेटी की मीटिंग में कहा सर ये मैंने आपको लिखा था, इस आदमी के एक कारनामे है, मेरी आपसे अनुरोध है कि इससे आपकी छवि को धक्का लगा। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि प्रधानमंत्री जी इस चोर और बेईमान से मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपकी पार्टी और ये पद और ये मैंने सिर्फ त्याग के जा रहा हूं, पर मोदी जी इस कायर बेईमान कृष्ण पाल को हरा के मोदी जी एक दिन आपसे मिलूंगा मैं आपसे, आपने नहीं सुनी, पर ये कायर को बेईमान को हरा के आऊंगा जा दिन, अगर आप मुझे मौका देंगे तो हिंदुस्तान नहीं 100 मुल्क देखेंगे कि मैं सीढ़ी में बैठा रहूंगा चौकीदार, ये चोर चौकीदार नहीं, मैं 25 वर्ष पहले जब आपने पहली बार जिताया था मैंने फैजाबाद में खड़ा होकर कहा था कि मैं आपका चौकीदार रहूंगा, मेरी चौकीदारी पर दाग नहीं आया। उधर पलवल के विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति करती है, इस बार जनता झूठ की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी अवतार भड़ाना को जिताने की अपील करते हुए करण दलाल ने कहा कि अधिक से अधिक वोट डालकर भड़ाना की जीत सुनिश्चित करें। आगे चुनाव में भाई अवतार सिंह भड़ाना जी को लेकर के हम आपके दरबार में आए हैं, आपकी ताकत और आपकी जो शक्ति है, जो इलाके में आपकी अहमियत है उसको ये इलाका अच्छी तरह से जानता है, और हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि आपकी बड़ी बस्ती बड़े में लोगों के काम आते हैं और हमारे जैसे लोग जब मुसीबत में होते हैं तो हमें भी बचाने के लिए आप लोग सहारा देते हैं। चुनाव एक ऐसा धर्म संकट बन गया है कि कहीं ना कहीं तो वोट देना होता है, किसी ना किसी को टिकट मिलना होता है, सबको टिकट नहीं मिलता लेकिन एक को मिलेगा। हमारी बदकिस्मत ये रही कि कांग्रेस की टिकट 2 दिन मेरे पास नहीं, टिकट का रहू आगरा 2 दिन मेरे पास, महेंद्र प्रताप के पास, फिर ललितनगर के पास और फिर चौधरी अवतार सिंह भड़ाना के पास, हमारे 10 दिन खराब हो गए। तो एक तो भड़ाना साहब के पास समय बड़ा कम रहा, इसलिए हम सब गांवों में जाना चाहते थे, सब गांवों में ना जाकर के जो इलाके के मुख्य मुख्य जो मसले हैं वहां जाकर के हमारा जला रहे हैं। हमारा आपसे हाजिर होकर के निवेदन है, मैं पिछले दिनों गांव में भी आया था, एक राजनीति का धर्म है कि जब कोई सत्ता में होता है तो वो जो कुछ उससे बने
वो अपने इलाके के 36 बराबरी के लोगों के दुख और दर्द को ठीक करे, लोगों की मुसीबत में काम आए, सरकार का लाभ लोगों तक पहुंचाए, एक अपनापन का एहसास कराए। और उसकी मिसाल जब मैं चुनाव हार गया था तो हमने आपके सामने रखी, मैंने तो इलाके को कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम चुनाव हार गए, और सर आंखों पर बिठा करके वो ये हरियाणा के अंदर अपने इलाके की शान बना करके रखी। आज भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में मैं भी किशन पाली के साथ था, हमें बड़ी उम्मीद थी कि भाई नई हुकूमत हो सकता है हम नहीं कर पा रहे ये हमसे अच्छे काम करेंगे, लेकिन हमारा बेहद अफसोस इस बात का है कि ऐसा पराया का सा बर्ताव पूरे देश के साथ तो जो किया वो किया, लेकिन हमारे इलाके के साथ जिस इलाके में सर आंखों पर बिठा करके भाई अवतार की तो कुल 8,000-9,000 वोट आई थी, किशन पाल जी को तो 98,000 वोटों से प्रबल के इलाके में 36 बिरादरी जिता करके भेजा था, उसका हमें आंसू पोंछना तो दूर धन्यवाद भी नहीं कर पाए भाई तुमने इतनी बड़ी कृपा की। और चलो राजनीतिक तौर पर धन्यवाद भी कई दफा भुला दिया जाता है, लेकिन सरकार की सुविधाएं होती हैं, सरकार के सुख होते हैं। 5 केंद्रीय बजट भारत सरकार के आए, 5 बजट हरियाणा सरकार के आए, 1 स्कीम हैदराबाद पलवल के इलाकों के लिए ये सरकार हमें नहीं दे सकती। केवल दिया तो हमें दुख दिया तो हमें जातियों में बांटने के षड्यंत्र खड़े नजर आए, हमें धर्मों में बांटने के षड्यंत्र खड़े आए, और ऐसा हमारे साथ किया जैसे हम कोई पाए हैं, हम इस इलाके के नहीं, हम इस देश के नहीं। और इतना अहंकार और इतना घमंड कि किसान और मजदूरों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए इस सरकार ने जो बेहूदगी की है, जो सौतेला बर्ताव किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, बातें तो बहुत है कहने की, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि हम आपके बालक हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं पिछली दफा तुम लोगों ने बीजेपी के लिए कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन हमारा आपका इलाका इस हरियाणा के कोने में हम बसे हुए हैं, हरियाणा हमें हरियाणा नहीं मानता। इस हरियाणा में जो शख्सियत, जो हैसियत हमने अपने इलाके की आप सबकी मेहरबानी से बनाई, हमें फख्र है इस बात का, हम सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन इस हरियाणा देश के सामने अपने इलाके की हैसियत आसमान को छूती हुई हमने हमेशा दिखाई। इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं से लेकर के नीचे के छोटभैयों तक हमारे इलाके के एक थानेदार को फोन करने की हैसियत राजनीतिक लोगों ने नहीं रखी। हमारे बच्चों के पुलिस के चालान करते हुए ये कहने वाला नहीं किस बात के चालान काटते हैं, बिजली के छापे गांवों में इस तरीके से मार रहे थे कि जैसे सारे चोर बिजली के गांवों में रहते थे। तो ये जो सौतेला इनका बर्ताव है, और जो इनके मन में देहात के लोगों के प्रति नफरत है, जो किसान और मजदूर के प्रति भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर शरारत है, वो हमें नहीं भाई है। और अब एक ही रास्ता है कि इस लोकसभा के रास्ते जा करके और हमें हरियाणा के अंदर सरकार बनानी है। भाई अवतार सिंह भड़ाना जी हमारे इलाके के लिए मौजूदा विधायक पद को छोड़कर यूपी से तो विधायक थे, चाहते तो छोड़ने की जरूरत नहीं थी, सत्तारूढ़ दल में ये विधायक बने हैं, लेकिन इनका हक हमसे इसलिए बड़ा माना गया, मैं भी मानता हूँ कि विधायक पद को छोड़ करके अगर ये हमारे इलाके की सेवा में आए हैं तो कोई बात नहीं, हमें तो इसी इलाके के लोगों को परखना है, बाहर का तो यहाँ कोई आएगा नहीं। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप हमारे माँ बाप हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बच्चे हैं, हम जैसे भी हैं हम आपके हैं और हम ही आपके रहेंगे। ये जो दोगले चरित्र वाले लोग घूम रहे हैं ये केवल राजनीति करने के लिए हमसे फायदा अपना ले सकते हैं, हमें फायदा